नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। उज्जैन में विक्रम यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल में उस वक्त हंगामा हो गया जब दो छात्र गुट आमने सामने आ गए। दरअसल जूनियर छात्रों ने एक सीनियर छात्र को पकड़कर बॉयज हॉस्टल में बंधक बना लिया था। जूनियर ने सीनियर छात्र की जमकर पिटाई की, जिससे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाया। बीती 1 जुलाई को जूनियर छात्र आनंद राज की सीनियर छात्र आकाश राय से कहा सुनी हुई थी, जिसकी शिकायत आनंद राय ने एंटी रैगिंग कमेटी से कर दी। मामले को निपटाने के लिए सीनियर छात्र आकाश राय जूनियर छात्र आनंद राज के पास पहुंचा, लेकिन फिर से दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद जूनियर छात्रों ने बॉयज हॉस्टल में आकाश राय को बंधक बना लिया और उसकी जमकर पिटाई लगा दी। सर, परसों सर एक छोटा सा मैटर हुआ था सर, छोटे भाई का, तो उसमें सर इन्होंने मेरे को उसमें माना और सर मेरा उसमें कोई लेन देन नहीं है। उसमें थाने में रिपोर्ट भी ना तो मेरा नाम है न कुछ भी नहीं। बिना मतलब के सर ने मेरे को पकड़ा, मेरे को गाड़ी से उतारा और सर खूब पाइप और उससे लट्ठे से मारा। सर रेगिंग का मामला सर इन्होंने हमारे पे फालतू का आरोप लगाया सर, मेरा उसमें कोई लेन देन नहीं। और मैं भी सर उसमें अभी भी मैं इसलिए कॉलेज गया था, सर ने डायरेक्टर सर ने मेरे को बुलाया था इसलिए मैं कॉलेज गया था, नहीं तो मेरे को कोई मतलब नहीं था इनसे। हाँ वहीं पढ़ते हैं जी सर। एट सेम छोटे भाई भी 8 सेम में ये सर 40-50 जने थे सर जी सर। अंदर बंद कर दिया, चैनल लगा दी थी सर। पुलिस वाला है उनके सामने भी नहीं खोली उनने, पुलिस प्रशासन खड़े रह गया और उनके सामने इन्होंने मेरे को पीटा है सर, अंदर खड़े रह गए। हंगामे और मारपीट की सूचना मिलने पर पुलिस ने हॉस्टल पहुंचकर आकाश राय को बचाया और अपने साथ थाने ले गई। फिलहाल माधवनगर थाना पुलिस छात्र गुटों के बीच शुरू हुई लड़ाई की जांच कर रही है। देखिए, ऐसा प्रकरण जो है 1 तारीख को पहले झगड़ा हुआ था दो गुटों के बीच छात्रों में। एक जूनियर छात्रों का ग्रुप है, एक सीनियर है, तो उसके कारण आज फिर उसमें जो है झगड़ा हुआ उन्हीं लोगों के बीच। तो हम उसमें छानबीन कर रहे हैं। तो एक लड़के को बताया जा रहा है कि चोट आई है, तो उसकी मेडिकल वगैरह करवाते हैं। और उनका आरोप है, दूसरे ग्रुप के कुछ लड़के हैं जो छात्र हैं, हॉस्टलर्स हैं, उन पे वो आरोप लगा रहे हैं कि उनको जो है मारा पीटा है। तो उसमें हम लोग छानबीन करते हैं आखिर ये घटना ऐसी हुई क्यों, क्योंकि पहले भी इसमें विवाद हुआ था, तो आपस में इन लोगों पर FIR दर्ज हैं, तो दोबारा ऐसी घटना क्यों हुई उस पर हम लोग छानबीन करते हैं और भविष्य में ऐसा न हो इसको भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। उज्जैन से सुदर्शन सोनी, न्यूज आज। फिलहाल इस खबर में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।